अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय बंगश। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे फ़्राइज़ की रेसिपी। लो कैलोरी फ्राइज़ है ये और एयर फ्रायर में हम इसे बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चले बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम चार मीडियम साइज़ आलू लेंगे और उसे अच्छी तरह से हम छील लेंगे कटर की मदद से या नाइफ की मदद से, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसकी सारी स्किन जो है उतार दें। और ये देखिए सारे आलू जो है वो छिल चुके हैं। अब जो है हम इसे फिंगर शेप में कट कर देंगे। तो बहुत ही एहतियात से आप इसे फिंगर शेप में कट कर दें। और ये देखिए हमारे सारे जो चिप्स हैं वो अच्छी तरह से कट हो चुके हैं। अब हम इसे धो लेंगे और साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने पानी उबालने के लिए रख दिया था। जब इसमें एक उबाल आ जाए तो हम इसमें नमक 1 टीस्पून ऐड कर देंगे और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका तकरीबन 2 टेबल स्पून। और उसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे और अच्छे से हम इसमें फ्राइज डाल देंगे। जो आलू हमने कट किए हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए उबालने के लिए रख देंगे। दो मिनट के बाद जो है हम इसे सारा पानी जो है ड्रेन कर देंगे। तो 2 मिनट के बाद हम चिप्स निकाल देंगे और इसे अलग कटिंग बोर्ड में इस तरह से हम इसे डाल देंगे। और टिश्यू पेपर की मदद से जो है हम इसे इस तरह से ड्राई कर देंगे। हमने फ्राइज़ को अच्छी तरह से ड्राई कर दिया है टिश्यू पेपर की मदद से। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चिकन पाउडर तकरीबन 2 टेबल स्पून और इस तरह से हम इसमें कोट कर देंगे फ्राइज को। अच्छे से कोटिंग के बाद जो है हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। अब हमने एयर फ्रायर लिया है, उसमें हम फ्राइज ऐड कर देंगे और उसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो सारे फ्राइज़ हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब और उसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे। बंद कर देंगे इसे और इसका टाइमर फिक्स कर देंगे 18 मिनट्स के लिए। और फिर उसके बाद जो है 200 सेंटीग्रेड पे हम इसे कुक करेंगे। 18 मिनट्स के बाद जो है हम चेक करेंगे हमारे फ्राइज़ जो है उस पर अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका होगा। बीच बीच में अगर आप चेक करना चाहते हैं और थोड़ा सा मिक्स कर दें बीच बीच में तो इस पर इक्वली गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा।
तो ये हमारी फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।